उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। साल 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लखनऊ रेंज की आईजी थी। गौरतलब है कि लक्ष्मी सिंह ने अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान किसानों को शांत कराने में अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मी सिंह अपराध और अपराधी दोनों के लिए हमेशा काल बनकर सामने आई हैं। लक्ष्मी जिस भी जिले में रही अपराधियों को ढेर ही करती रही। साल 1974 में जन्मी लक्ष्मी सिंह 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। नोएडा में तैनाती से पहले वे लखनऊ में आईजी की तौर पर तैनात थी। लक्ष्मी सिंह जहां भी तैनात रहीं वहां वे अपराधियों के लिए सिरदर्द साबित हुई हैं। वे यूपी के बुलंदशहर, बागपत, फर्रुखाबाद, चित्रकूट और वाराणसी में तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने इन जिलों में रहते हुए कई इनामी बदमाशों का एनकाउंटर भी किया है। लक्ष्मी सिंह को पीएम की तरफ से उनके अच्छे काम के लिए सिल्वर बैटन और होम मिनिस्ट्री की तरफ से 9mm की पिस्तल इनाम के रूप में दी जा चुकी है। उन्हें यूपी सरकार मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस मेडल से भी नवाज चुकी है। वहीं न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में नोएडा की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ने अपराध खत्म करने के लिए अपना रोड मैप बताया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैडम, आप यहाँ पे आज आपने ज्वाइन किया, क्या प्राथमिकता रहेंगे आपकी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना एनसीआर रीजन में रहने की वजह से जो पेकुलरिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करके अच्छी पुलिसिंग को व्यवस्थित ढंग से लागू करना, कमिश्नरेट में जो अच्छा काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना, उसकी गति को बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। नोएडा एक कमर्शियल हब है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कामकाजी महिलाओं की बहुत अधिक संख्या में यहाँ प्रेजेंस है, उनको एक सुरक्षा कवच दिलाना और एहसास कराना, ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। मैडम, दूसरा सवाल मेरा ये है कि यहाँ जो है आए दिन बहुत गांजा पकड़ा जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस पकड़ती भी है और ये पूरा का पूरा शहर गांजे की तस्करी में डूबा हुआ है, आए दिन कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके लिए रोकने के लिए क्या रोड मैप आपका होगा? देखिए, ये नॉर्मल पुलिसिंग के केसेस नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड है, इसलिए हमको अपने इंटेलिजेंस के सोर्सेज को डेवलप किए जाने की ज़रूरत है। जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, जो नेशनल ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेंड्स हैं, उनको स्टडी करने और पिछले केसेस के आधार पर एक पॉलिसी बना के सिस्टमिक रूप से उसको करना, ये एक दिन का खेल नहीं होता है, इसमें लंबा होता है और सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए, तभी हम इस नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सफल होंगे। एक सवाल लास्ट में, यहाँ नोएडा जो है बड़े ठगों की नगरी मानी जाती है, चाहे साइबर ठग हो, चाहे प्रॉपर्टी ठग हो, या बहुत सारे ऐसे ठग्स हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या प्लान बनाए? देखिए, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी प्राथमिकताओं में किसी भी प्रकार के ठग की कोई जगह नहीं है और नोएडा को भी ठग मुक्त किया जाएगा। बिल्कुल, ये थी नोएडा की कमिश्नर जो अपना प्लान बता रही थी। मैं नोएडा से मोहम्मद यूसुफ, न्यूज 24। बता दें कि आईपीएस लक्ष्मी सिंह के पति राजेश्वर सिंह मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वह भी आईपीएस रह चुके हैं। साल 2022 की शुरुआत में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजेश्वर सिंह ने नौकरी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्हें स्वाति सिंह का टिकट काट कर सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था। राजेश्वर सिंह ने 54,000 वोटों से चुनाव जीता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।